दोस्तों जितना ज्यादा जरूरी एक YouTube का वीडियो होता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी YouTube का थंबनेल होता है, क्योंकि वीडियो का थंबनेल बेस्ट क्वालिटी का होगा तो आपके जो व्यूज हैं वो वीडियो पे बहुत क्विक टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। तो इसलिए आपको थंबनेल जो है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का बनाना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इसको HD बनाएं या अल्ट्रा HD बनाएं। मैं आज आपको अल्ट्रा HD से ऊपर भी एक HD होता है, हाई से भी हाई HD, आज मैं उसका प्रोसीजर बताने वाला हूं। किस प्रकार आप एक ऐसा थंबनेल तैयार कर सकते हैं जो बहुत बेस्ट क्वालिटी का रहे, बड़े से बड़े स्क्रीन पे भी उसके पिक्सल्स बिल्कुल भी ना फटे। बहुत से यूट्यूबर्स आपने देखे हैं जिनका वीडियो हो सकता है थोड़ा लो क्वालिटी का हो, वैसे वीडियो पे हर इंसान बराबर मेहनत करता है, लेकिन मान लीजिए किसी का थोड़ा लो क्वालिटी का वीडियो भी है उसके बावजूद उसने थंबनेल पे बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी क्वालिटी का थंबनेल बनाया है, तो यूट्यूब उसको खुद से अपने सर्च बॉक्स में डालता है और सर्च बॉक्स में डालने के बाद उस पर बहुत शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी से व्यूज आते हैं। तो आज आपको मैं उसी प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार आप एक अच्छी क्वालिटी का थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर ऐप से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें और उसके बाद ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। जो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पे आए, इसके लिए सबसे पहले YouTube थंबनेल का आपको प्रॉपर बैनर लेना पड़ेगा, प्रॉपर साइज सेट करना पड़ेगा। साइज सेट करने के लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करें। 3 डॉट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार के ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे आपको जाना है इमेज साइज पे। जैसे ही आप इमेज साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो प्रीसेट लिखा हुआ है प्रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है YouTube थंबनेल पे क्लिक करने के बाद ओके पे जाएं। ओके पे जाने के बाद इस प्रकार का ये इंटरफेस बनेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दें। इसके लिए डिलीट के ऑप्शन पे जाएं और ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ये इस प्रकार का इंटरफेस बन चुका है। अब हमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड जो कलर है उसको चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में इस ऑप्शन पे जाएं। ऑप्शन पे जाने के बाद कलर पे आपको क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद आप कलर डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जाना है ग्रेडियंट पे, और ग्रेडियंट पे जा करके यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे इन एरो को टॉप तक ले करके जाएं, इस प्रकार से टॉप तक लेकर जाएं, और यहाँ पे नीचे जो हैं इनको आप प्रॉपरली सेट कर लें। ये प्रॉपर सेट करने के बाद आप कलर के ऑप्शन पे जाएं नीचे, ये देखिए कलर का ऑप्शन, और यहाँ पे कोई भी कलर इस पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कलर मैं सेट करने वाला हूँ, थोड़ा सा नीला जैसा। कलर सेट करने के बाद बीच वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएं और ओके पे क्लिक कर दें। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सा यहाँ पे ये इंटरफेस बन चुका है। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दें, ये इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। इसको थोड़ा सा और बदलाव कर देते हैं हम, थोड़ा नीला ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देते हैं। बदलाव करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ पे फिर से कलर पे जाएं और थोड़ा सा इसको चेंज कर दें। इस प्रकार चेंज करेंगे, ओके पे जाएं और फिर से ओके पे जाएं। ये देखिए अब बहुत सुंदर सा इस पे ये बन चुका है। यहाँ पे राइट एरो पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब हमें सबसे पहले जाना है प्लस के आइकन पे। प्लस के आइकन पे क्लिक करें, शेप्स पे क्लिक करने के बाद इस शेप को थोड़ा बढ़ा लें। इस प्रकार के जो ये यहाँ पे स्क्वायर टाइप है इसको थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में बना लें। इस प्रकार से इसको बढ़ाते रहें कंटिन्यू, और बढ़ा करके ऐसा सेट कर लें इसके लगभग सेंटर से में। अब ये सेट हो चुका है, ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दें। इस प्रकार से ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ ओके पे क्लिक करने के बाद अब इसको थोड़ा सा और सुंदर सा हमें प्रॉपर इंटरफेस बनाना है। जो यहाँ पे ये स्क्रीन आई, इस स्क्रीन को थोड़ा और सुंदर बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ बीच वाले सेक्शन पे क्लिक करें। इसके बाद जाएं इरेजर पे, यहाँ पे बॉटम में चलते रहें इरेजर के सेक्शन पे। इरेजर पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार का जो इंटरफेस रहेगा, यहाँ इस ऑप्शन को दबाएं। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऐसा इंटरफेस आ चुका है, बन चुका है। यहाँ आप इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के जो दिखाई दे रहा है या स्क्वायर टाइप का दिखाई दे रहा है इसके यहाँ पे क्लिक करें, रखें उंगली को, और इस प्रकार से आप लोग कंटिन्यू चलते रहें, उंगली को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहें और फिर इसको कम्प्लीटली रोटेट कर दें। रोटेट करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं ऊपर की तरफ, इस ऊपर वाले ऑप्शन में
जो लास्ट वाला ऑप्शन है उससे पहले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऐसा आपके सामने ये बन जाएगा और ओके पे क्लिक कर दें। ये देखिए दोस्तों कुछ अलग सा बन चुका है जो कि आपको बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा आगे की तरफ कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा आगे की तरफ कर लें, नीचे की तरफ भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि कुछ अच्छा सा बन जाए। ये देखिए अच्छा सा बन चुका है। ऐसा बनाने के बाद अब आपको फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करके शेप्स पर क्लिक करना है। इस प्रकार की फिर से शेप आई, यहाँ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसी भी शेप की आपको रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लें, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। छोटा करने के बाद यहाँ जो राइट साइड में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ है, स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से बढ़ेगी। बढ़ने के बाद टॉप जो सेक्शन है जिसमें रेडियस लिखा हुआ है इस रेडियस को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये देखिए कॉर्नर्स गोल हो चुके हैं। गोल होने के बाद इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको जो लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है इसको पकड़ेंगे और यहाँ थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देंगे, थोड़ा सुंदर सा लगेगा। इसके बाद कॉपी का निशान जो है कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एक और आ चुका है, हम दूसरे को भी प्रॉपर सेट करेंगे। इसको थोड़ा अंदर की तरफ घुमाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट फिर से कॉपी कर देंगे और फिर से कॉपी करने के बाद इसको लास्ट में लेकर के जाएंगे और ऐसा कुछ कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा बन चुका है यहाँ पे इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस बनने के बाद अब आपको इनके अंदर फोटोज को सेलेक्ट करना है। तो फोटो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे बॉटम में जाएंगे और यहाँ पे टेक्सचर लिखा हुआ है, ये देखिए टेक्सचर, टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। टेक्सचर पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसके गैलरी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गैलरी में जाएंगे तो यहाँ आपको वो फोटोज मिलेंगी जो आपने ऑलरेडी अपनी फोटोज बनाई हुई हैं, पहले जो वीडियोज बनाए हुए हैं। मेरे पास यहाँ पे वीडियोज हैं, वीडियोज की पिक्चर्स, ये देखिए। इसको सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से इसका सिलेक्शन कर देंगे। ओके पे क्लिक कर दें, ये देखिए दोस्तों आ चुका है। दूसरे पे हम क्लिक करेंगे, फिर से टेक्सचर पे जाएंगे और यहाँ से इसको पिक करेंगे। पिक करने के बाद दूसरी फोटो को इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए दूसरा सेलेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार से तीसरे पे क्लिक करेंगे, फिर से हम टेक्सचर पे जाएंगे, गैलरी पे जाएंगे और यहाँ पे तीसरी जो इमेज है उसको हम ओके कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके के निशान पे क्लिक को कर देंगे। इस प्रकार से करेंगे और ये ओके हो चुका है। ये देखिए दोस्तों ओके हो चुका है। इस प्रकार से हमने तीन इमेज जो है वो इंसर्ट की है। अब अगला ऑप्शन जहाँ पे हमें कुछ राइट करना है कि किस प्रकार से यूट्यूब का थंबनेल बनाए या अदर कोई भी आपने वीडियो बनाया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्लस के सेक्शन पे फिर से जाना है, शेप पे क्लिक करना है और इस शेप को थोड़ा बढ़ा लेना है हमें। इस प्रकार से शेप को बढ़ा लेना है और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो हमें कुछ कम कर देनी है। इस प्रकार से हम इसको कम कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कम हो चुकी है। और कम करने के बाद फिर से आप नीचे बॉटम सेक्शन में जाएं। बॉटम सेक्शन में इसका कलर जो है उसको चेंज करना चाहें इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया है, इस प्रकार का कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको बेस्ट लगे। कलर लेने के बाद और थोड़ा बॉटम में जाएं और स्ट्रोक जो विड्थ है इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ कर दीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा सा लग रहा है। ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद अब ये फोटो जो है अभी जो हमने लिया है जिसको हमें एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये फ्रंट में दिखाई दे रहा है, इसको फोटोज़ के बैक साइड में लेकर के जाना है। तो बैक साइड में लेकर जाने के लिए क्या करेंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टॉप से इसको पिक करेंगे, उठाएंगे और नीचे की तरफ चलेंगे। सबसे एंड सेक्शन में इसको हम लेकर के जाएंगे और सबसे एंड में यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों ओके हो चुका है और ये बैक साइड में गया है। तो इस तरह से इसको हम बैक साइड में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो बहुत अच्छा सा लगेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट फिर से यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाएंगे, शेप उठाएंगे। अब शेप को थोड़ा चेंज करेंगे, तो शेप चेंज करने के लिए यहाँ पे इस सेक्शन पे जाएंगे और नीचे बॉटम सेक्शन में चलेंगे। बॉटम फेज में जाने के बाद यहाँ पे इस शेप को हम पिक करेंगे। ये देखिए ये शेप आ चुकी है। इस शेप की जो विड्थ है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। इस शेप पे जाएंगे, यहाँ पे ये शेप ली हमने, इसको हम थोड़ा सा विड्थ इसकी कम करेंगे और इसकी लेंथ को भी थोड़ा छोटा कर लेंगे और इस प्रकार से इसको यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद ओके पे जाएंगे और इसके बाद इसको कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद ये एक और आ चुकी है, यहाँ पे इसको हम रोटेट कर देंगे, पूरा कंप्लीटली जो है इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे सेम इसी के साथ में, इस प्रकार से सेम इसी के साथ में हम सेट कर देंगे। तो ये दोनों एक साथ सेट हो चुकी हैं। अब सेट हो चुकी है तो अब अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये अलग अलग चलेगी।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इनको भी प्रॉपरली सेट करना है। तो प्रॉपर सेट करने के लिए यानी एक दूसरा जो है उसमें ये प्रॉपर इंसर्ट हो जाए, तो एक दूसरे में इंसर्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया ऑप्शन है उस ऑप्शन में जाना है। इसके लिए टॉप पे आपको फिर से इसको क्लिक करना है और ये दोनों फोटोज हैं ऊपर की तरफ, दोनों एरो हैं, इनको हमें एक साथ मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए दोनों को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इससे इसको मर्ज कर दें। आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ओके पे क्लिक कर दें। अब ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, इसको अपवर्ड लेकर के जाएं, डाउनवर्ड लेकर के जाएं, ये देखिए दोस्तों प्रॉपरली ये मर्ज हो चुके हैं। मर्ज होने के बाद इसको वापस इस प्रकार से कर दें। यहाँ पे इसके भी अगर कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। इस कलर को चेंज करने के लिए फिर से आपको कलर के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे इसके कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ कलर के लिए इनेबल कर देते हैं और ये कलर आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कलर चूज करने ओके पे क्लिक कर दिया, इस प्रकार का कलर आप चूज कर सकते हैं। अब फिर से हम नेक्स्ट एक और चलेंगे, बहुत और स्मार्ट सा लगेगा ये। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, गैलरी में जाएंगे। अब गैलरी में क्यों जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ एक इमेज बनाई हुई है, आप भी वो कुछ इस प्रकार की इमेज बना सकते हैं। मेरे पास एक ये इमेज है तो यहाँ पे इस प्रकार की इमेज आप इसको बना भी सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार की इमेज, तो यहाँ पे ये मैंने इमेज ली है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी फ्री साइट्स हैं जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए इसको प्रॉपरली बॉटम सेक्शन में सेट कर दें और यहाँ पे इसको लगा दें। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं चाहें तो, कलर चेंज करना इसमें भी बहुत आसान होता है। यहाँ पे कलर के सेक्शन पे जाएं, इसको इनेबल कर दें और यहाँ से एक नया कलर आप चूज कर सकते हैं। मैं प्लस के आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये इस प्रकार का आप सेट कर, ये देखिए प्रॉपर सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए प्लस के आइकन पे जाएं, प्लस के आइकन पे जाकर के गैलरी में पिक करें। अब यहाँ पे मेरी एक इमेज है, मैं बैकग्राउंड जो इरेजर है उससे मैंने इसको इरेज किया हुआ है, तो ये बैकग्राउंड इरेजर है मेरा। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो को पिक करने वाला हूँ, ये मेरी फ़ोटो, और इस फ़ोटो को पिक करके ओके पे क्लिक कर दें। अब इस फ़ोटो को आप बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी जो चाहें आप, इस फ़ोटो को जितनी बड़ी फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो वो बड़ी फ़ोटो लगा लें। तो इस प्रकार से ये जो फ़ोटो है इसको लगा दें। ये देखिए दोस्तों ये फ़ोटो लग चुकी है, इस प्रकार से आप प्रॉपर फ़ोटो को लगा सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट करना है, मान लीजिए कुछ लिखना है आपको कि YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, तो YouTube थंबनेल लिखने के लिए यहाँ पे फिर से आपको जाना है टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ए पे क्लिक करें और ये टेक्स्ट आ चुका है, तो टेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें। स्टाइल आप जो भी यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो स्टाइल अपना ले सकते हैं। तो ये टेक्स्ट आ चुका है, तो इस टेक्स्ट को यहाँ से पिक कर लें और पिक करके इस पे ले आएं। तो यहाँ नेक्स्ट न्यू टेक्स्ट पे क्लिक कर दें, डबल बार क्लिक करें। डबल बार क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से इस प्रकार से बैक करके आप अपना लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ YouTube, इस प्रकार से YouTube, तो YouTube लिखने के बाद डन पे कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ये देखिए दोस्तों आ चुका है। इस प्रकार से आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइड से इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। तो अब इसको बड़े करने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कितना इसका फॉन्ट साइज करना है, कितना ये सब चीज़ें करनी है, तो उसके लिए अलग अलग सेक्शन है। ये देखिए फॉन्ट साइज है, तो यहाँ पे कोई भी आप फॉन्ट साइज ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैं इस फॉन्ट साइज को लेने वाला हूँ, ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ये जो स्टाइल है ये आप चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से करना चाहते हैं तो इस प्रकार, जैसा आप स्टाइल आपको चाहिए वैसा स्टाइल, बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको बोल्ड कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं कि कलर आपको कौन सा चूज करना है, तो ये कलर पे क्लिक करें। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाएं और आप जिस प्रकार का कलर इस पे चूज करना चाहते हैं तो कलर को चूज कर दें और ओके कर दें। ये देखिए YouTube लिखा आ चुका है। तो इसके बाद नीचे बॉटम सेक्शन पे जाएं, इस बॉटम सेक्शन पे भी आपको लिखना है, तो यहाँ पे थंबनेल, जैसा कि मैंने बताया था आपको, तो YouTube थंबनेल, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ थंबनेल। तो इसके लिए इसको कैपिटल कर सकते हैं, ये थंबनेल, इस प्रकार से इसको लिख दें और डन पे क्लिक कर दें और फिर ओके पे जाएं। इस प्रकार से आप ओके कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा जा चुका है और ये वाइट ये आपको अच्छा लगेगा क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का है। तो यहाँ पे YouTube थंबनेल, थंबनेल में यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से थंबनेल, और डन पे क्लिक कर दें और ओके पे क्लिक करें। तो यहाँ पे थंबनेल लिखा आ चुका है, तो यहाँ पे इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, जो भी साइज चाहिए, साइज की जो रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ,
फॉन्ट चेंज करने के लिए कुछ इस प्रकार का फॉन्ट लिया मैंने, ओके पे क्लिक। ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है यूट्यूब थंबनेल। अब यहां लिख सकते हैं कैसे बनाएं, फिर से आप टेक्स्ट पे जाएं और ओके पे क्लिक करें और यहां पे इसको बैक करके और कैसे, यहां से ये देखिए कैसे इस प्रकार से हम यहां पे कैसे बनाएं और डन पे क्लिक कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहां से इसको पिक करें और इसको भी थोड़ा सा बड़े साइज का कर दें, तो बड़े साइज का इस प्रकार से कर दें। नीचे बॉटम सेक्शन में जाएं और यहां पे आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के लिए फिर से यहां पे आपको जाना है कलर के सेक्शन पे और कलर का जो सेक्शन ये यहां से क्लिक करें, क्लिक करके आप कलर के सेक्शन पे क्लिक कर दें और यहां पे जो चूज करना है आपको उस प्रकार का कलर आप चूज कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर दें। कैसे बनाएं लिखा चुका है, यहां पे भी इसके फॉन्ट साइज को आप चेंज कर सकते हैं। यहां पे देखिए इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसकी स्टाइल को चेंज करके और ओके पे। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा बन चुका है। इसके बाद फिर से प्लस के आइकन पे जाएं, प्लस के आइकन पे जाकर गैलरी को सेलेक्ट करें। यहां गैलरी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जहां पे जो आपने इमेज फोटो डाउनलोड की हुई है वहां पे उसको ओपन होगा और यहां इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैंने इसमें कुछ फोटोज ली हुई है, मैं यूट्यूब का जो लोगो है उसको लगाने वाला हूं, तो यहां पे इस लोगो को मैं क्लिक कर रहा हूं और क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दें। तो इसको थोड़ा सा छोटा करें यहां पे इस प्रकार से, इसको इसकी विड्थ जो है उसको छोटी कर लें। ये देखिए दोस्तों इसकी जो विड्थ है इसको प्रॉपर छोटी करें, इसकी लेंथ को थोड़ा छोटा कर लें इस प्रकार से, इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी छोटी कर लें और इसको यहां पे लगा दें और इसकी विड्थ को हम थोड़ी छोटी करेंगे। ये देखिए थोड़ा अच्छा सा बन चुका है, इस प्रकार से आप इसको प्रॉपर सेट करें। अब ये दोस्तों हमारा कंप्लीट जो थंबनेल है वो तैयार हो चुका है। थंबनेल तैयार होने के बाद लास्ट सेक्शन पे जाना है सेव पे, तो सेव करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे जाना है। सेव एज इमेज पे जाने के बाद आपको बिल्कुल हाईएस्ट जो टोटल क्वालिटी है उस पे जाना है, टॉप की क्वालिटी पे। तो उसके लिए आपको ये जो डिजिट है, फिगर जो डिजिट है इसको आपको चेंज करना है। तो डिजिट को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले 1280 है, इसको लिख दें 7680, डन पे क्लिक कर दें। इसी प्रकार से जो हाइट है 720, इसको भी आपको चेंज करना है और यहाँ पे लिखना है 4320 और डन पे क्लिक कर दें। इस प्रकार से आपको ये करना है और फिर जाएं सेव टू गैलरी पे। जैसे आप सेव टू गैलरी पे जाएंगे तो ये आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसकी गैलरी में सेव होगा और इतनी हाईएस्ट क्वालिटी में होगा कि आप किसी बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पे चलाते हैं तो वहाँ पे भी बिल्कुल साफ सुथरा। यहाँ से आप अपनी गैलरी का देखें, बिल्कुल टॉप क्वालिटी का एकदम सेव हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी बड़ी स्क्रीन पे आप इसको चलाएं, छोटे से छोटे अक्षर भी आपको बिल्कुल एकदम क्लीन दिखेंगे। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम साफ। तो इस प्रकार से आप एक YouTube वीडियो के लिए बेस्ट क्वालिटी का थंबनेल बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।